हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने। तो सुबह का मेरा जो काम था वो हो चुका है। अभी मैं कढ़ी बनाऊँगी, पालक की कढ़ी बनानी है मुझे। तो पालक थी जो, वो मेरे कल आई थी, तो मैंने उसको कल साफ़ करके और काट के रख लिया था। आजकल क्या है, पालक वगैरह है जो बारिश की सब्ज़ी जो होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो बस, तो मुझे पालक की कढ़ी बनानी है, तो वही मैं उसकी कर रही हूँ तैयारी। एक साइड मैं दूध रख दूँगी, आज मेरा दूध भी नहीं गर्म हुआ है। और दूसरी साइड मैं जो पालक है उसमें तड़का लगाऊँगी। सिंपल सादा सी कढ़ी बनती है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तेल में मैंने हींग जीरा फ्राई कर लिया है और उसी में मैंने डाल दी है पालक। और इसको बस ऐसे चलाकर और इसको मतलब ढाक के रख दूंगी। तो पालक वगैरह है क्या, भाप में ही पक जाती है। इसको कोई मतलब ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेती है, तो बहुत जल्दी पक जाती है पालक। तो एक जब तक मेरी पालक बनेगी, तब तक मैं क्या अपना बेसन है जो, वो घोल कर रेडी कर लूँगी। तो मैं दही है, दही में ही बेसन डाल लूँगी और उसमें ही जो मसाले डालने हैं मुझे, हल्दी वगैरह, मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह, तो वो सारा कुछ उसी में डालकर और उसको अच्छे से मैं उसका एक घोल सा तैयार कर लूँगी अच्छे से चलाकर। तो जब तक मेरा, मैं इस चीज़ को रेडी करूँगी, तो तब तक मेरी पालक भी बनकर पक जाएगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पालक को तो पकने में। तो बस, और सिंपल सी ही कढ़ी है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है। क्या है, मेरे बेटे को ये कढ़ी है जो पालक है, गाजर है और आलू प्याज वाली होती है, वो कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे भी अच्छी लगती है। और पर मेरे बेटे को ना पकौड़े वाली कढ़ी बहुत कम पसंद है, बिल्कुल ना के बराबर उसको नहीं अच्छी लगती है पकौड़े की कढ़ी। तो मेरा जो बेसन है वो रेडी हो चुका है और पालक भी मेरा पक गया है। तो बस इसमें ऐसे डाल दिया है मैंने अपना जो बेसन का घोल था, और इसको ऐसे ही मैं चलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो सुबह मैंने बनाए थे नाश्ते में पराठे और भिंडी की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी मेरी भिंडी की सब्ज़ी है जो, वो रखी हुई है। सुबह का मतलब नाश्ता भी हो गया था और स्कूल का जो लंच भी पैक हो गया था, उसी में ही लंच भी तैयार दे दिया था। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है और दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ कढ़ी। आजकल क्या है कि थोड़े बारिश का मौसम की सब्ज़ियाँ हैं, तो वो सब्ज़ियों में उतना स्वाद नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, हमें ही नहीं लगता है या फिर होता ही नहीं है इन सब्ज़ियों में स्वाद। बारिश के पानी होता है ना, उसमें भीगी हुई सब्ज़ी होती है, इस करके मालूम नहीं क्यों। तो इन दिनों में 2 महीने की जो सब्जियां होती हैं, अगस्त और सितंबर की, उन सब्जियों में तो मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगता है। मालूम नहीं क्यों नहीं लगता मुझे स्वाद। कितना भी अच्छे से बनाओ, कितना भी मसाले वगैरह अच्छे से यूज़ करो, तो लेकिन फिर भी नहीं, मुझे नहीं लगता है स्वाद उन सब्जियों में। और अभी अक्टूबर से सब्जियां फिर से नई स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती हैं। और वो, ये देखिए मेरी कढ़ी जो है वो उबलने लगी, और इसको बिल्कुल स्लो गैस पे ही पकाऊंगी। क्योंकि कढ़ी है या कोई भी सब्ज़ी बनाओ, बिल्कुल स्लो गैस पर ही बनाओ, धीरे धीरे पकने दो। जब वो धीरे धीरे पकती है ना काफ़ी टाइम तक, तब ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। तो बस मेरी उधर कढ़ी बन रही है, और ये मेरे 2-4 बर्तन हो गए थे, वही मैं धुल के रख ले रही हूँ। क्यों, आज मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। सुबह सोकर उठी थी तब तो नॉर्मल थी, ठीक थी बिल्कुल, और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो मैं दवाई तो लेकर आ गई हूँ और दवाई भी मैंने ले ली है, तो फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तो फिर मैं काम में लग गई। क्योंकि काम भी है, वो भी करना है, कोई और तो नहीं करने आएगा, मुझे ही करना है। तो इसलिए जब मुझे थोड़ा आराम मिला तो मैं उठकर काम में लग गई। और उसके बाद क्या है, जब दवाई खाई है तो मुझे उसका नशा सा होने लग गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं और जाकर मैं 2-4 घंटे के लिए सो जाऊं। लेकिन अगर 2-4 घंटे के लिए अभी सो जाऊंगी तो फिर मेरा जो दोपहर का खाना है वो रेडी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं खाना रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद ही सोऊंगी। तो
अब मेरी रोटियां ही रह गई हैं सेकने के लिए, तो रोटियां तो जब खाना खाते हैं उसी टाइम, क्योंकि दो दो रोटी सेकनी पड़ती हैं, इसलिए जब खाना खाते हैं तो उसी टाइम मैं रोटी सेक लूँगी, और बाद में मैं दोपहर में सोऊँगी, क्योंकि गोली का नशा है, जो दवाइयों का नशा है, तो आँखों पे एकदम मतलब पलके अपने आप बंद हो रही हैं, तो इसलिए आराम तो करूँगी थोड़ी देर के लिए। आजकल क्या है, जो ये मौसम है ना, इसका मालूम नहीं पड़ रहा है कैसा मिजाज हो रखा है। क्या है, जो सुबह उठते हैं ना, जब सो के, तब से लेकर 1 बजे का मौसम इतना अच्छा होता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि गर्मी का सीज़न है। गर्मी है बिल्कुल भी नहीं, गर्मी होती है और नॉर्मल होता है, एकदम बिल्कुल ठंडा सा होता है, और पंखा बस चलाते रहो और उसी के नीचे बने रहो, पंखे में बिल्कुल भी पसीना वगैरह या गर्मी नहीं लगती है। लेकिन फिर 2 बजे से जो मौसम चेंज होना स्टार्ट होता है ना, फिर 2 बजे के बाद से गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, फिर तो ना पसीना वगैरह भी निकलने लगता है, फिर पंखे भी काम नहीं देते हैं, फिर कूलर वगैरह ऑन करने पड़ते हैं। बस इसी चीज़ में ही बीमारी का घर बन रहा है, क्योंकि सुबह का और रात का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, और वही मौसम 2 बजे के बाद से काफ़ी गर्म होने लगता है, तो गर्मी लगने लगती है, और 8 बजे तक ऐसे ही गर्म मौसम रहता है। फिर तो मेरी कड़ी थी जो वो बनकर हो गई रेडी, और उसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। तो तड़का क्या है, वही तड़का है, राई है, हींग, जीरा, करी के पत्ते हैं, बस इसी चीज़ का मैंने लगाया है तड़का। तो ये देखिए मेरी कड़ी हो गई बनकर रेडी, ये मेरी कड़ी बन गई है दोपहर के खाने